Hello students, this is Ravi sir, your mathematics teacher from Devashay International School. Well, last time हमने जो है 6.3 में शुरू के तीन क्वेश्चन सॉल्व किए थे. अभी हम लास्ट के जो है तीन क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे आज के दिन में. तो क्वेश्चन नंबर 4 से हम स्टार्ट करते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है कि आपको जो दिया हुआ डायग्राम है यहाँ पे दो लाइन है पी क्यू और आर एस जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है पॉइंट टी पे. एज यू कैन सी पी क्यू और आर एस ये दो लाइन है दोनों पी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है. देन सच दैट पी आर टी इज 40 डिग्री, पी आर टी दैट मीन्स दिस इज 40 डिग्री, आर पी टी इज 95 डिग्री, आर पी टी दैट इज दिस 95 डिग्री एंड टी एस क्यू इज 75 डिग्री. टी एस क्यू दिस वन इज 75 डिग्री. वी नीड टू फाइंड एस क्यू टी. ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है? एस क्यू टी दैट मीन्स एंगल क्यू फाइंड करना है. ठीक है, ओके सबसे पहले गिवन में हम सारी चीजें जो है डाल देते हैं. पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट एट पॉइंट टी. ठीक है, और क्या दिया है? एंगल पी आर टी 40 डिग्री दिया है. फिर एंगल आर पी टी 95 डिग्री और टी एस क्यू हमें दिया है 75 डिग्री. ये सारी इंफॉर्मेशन हमें दी है सामने. अब हमें फाइंड क्या करना है? तो टू फाइंड, ठीक है, एंगल एस क्यू डी फाइंड करना है. ओके चलो सॉल्यूशन देखो स्टूडेंट. सबसे पहले इस ट्रायंगल में बात करेंगे हम, दैट इज पी आर टी. इन ट्रायंगल पी आर टी, इन दिस ट्रायंगल एंगल पी प्लस एंगल आर प्लस एंगल पी टी आर, तीनों एंगल का एडिशन होगा 180 डिग्री. एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है, तो चलो हम लिख देते हैं कौन से तीन एंगल है. एंगल पी प्लस एंगल आर प्लस एंगल पी टी आर विल बी इक्वल टू 180 डिग्री. क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी. एंगल सम प्रॉपर्टी, ओके चलो अब हम देख लेते हैं. एंगल पी और एंगल आर में कुछ वैल्यू हमें दी हुई है. यस, दिस इज 95 डिग्री, दिस इज 40 डिग्री. तो पी की जगह पे वी विल राइट 95 डिग्री और आर की जगह पे 40 डिग्री प्लस एंगल पी टी आर इज इक्वल टू 180 डिग्री. ओके, तो हमें फाइंड क्या करना है? एंगल पी टी आर फाइंड करना है. देयरफोर एंगल पी टी आर इज इक्वल टू 95 और 40 ऐड होकर के 180 में से जब लेस होगा तो कितना आएगा? 45 डिग्री. ठीक है, तो एक चीज हमें यहाँ पे मिल चुकी है, इसको हम इक्वेशन जो है वन बोल सकते हैं. फाइन, अब स्टूडेंट्स एक चीज यहाँ पे नोट करो जो हमें सम में दिया है कि दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है. कौन से दो लाइन? पी क्यू एंड आर एस. और कौन से पॉइंट पे? पॉइंट टी पे. ठीक है, तो लिखेंगे बट पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट्स एट पॉइंट टी. तो जब ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी तो ये जो दोनों एंगल है, ठीक है, इनको हम बोलते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल जो कि इक्वल होंगे. तो आई विल से एंगल पी टी आर, therefore angle PTR will be equal to QTS. QTS, ठीक है चलो. अब देखो नेक्स्ट स्टेप में मैं डायरेक्टली जो है यहां पे वैल्यू लिख दूंगा QTS की.
ठीक है, क्यों? क्योंकि PTR जो है वो अभी जस्ट हमने फाइंड किया 45 डिग्री फ्रॉम इक्वेशन 1, तो डायरेक्टली मैं लिख रहा हूं एंगल QTS जो है दैट बी इक्वल टू 45 डिग्री। Y तो लिखेंगे फ्रॉम 1, ठीक है। चलो इतना कंप्लीट हुआ। अब स्टूडेंट्स इस ट्राइंगल के ऊपर फोकस करेंगे, दैट इज ट्राइंगल TSQ, ठीक है। नाउ इन ट्राइंगल TSQ तीनों एंगल का एडिशन कितना होगा 180 डिग्री, तो तीनों कौन से एंगल है? सबसे पहले TSQ एंगल TSQ प्लस SQT प्लस QTS will be equal to 180 degree। Reason क्या है? Angle sum property। अब इसमें से हम देख लेते हैं भाई हमें कौन से angles के बारे में knowledge है। सबसे पहले यहाँ पे एक दिया हुआ है 75 degree, कौन सा angle है वो? TSQ। देखो TSQ यहाँ पे लिख दूंगा मैं 75 degree, ठीक है। Plus SQT ये हमें find कर रहे हैं। QTS yes, QTS अभी just हमने find किया, that is 45 degree, ठीक है। तो QTS जो है उसकी जगह पे लिख दूंगा 45 डिग्री। तो यहां पे आप चाहो तो इक्वेशन जो है 2 लिख सकते हो, ठीक है। तो चलो ये लिखते हैं SQT प्लस QTS की जगह पे 45 डिग्री विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। हमें फाइनली फाइंड करना है क्या? SQT, देयरफॉर व्हिच इंप्लाइज एंगल SQT जो है दैट इज इक्वल टू हाउ मच? 75 प्लस 45 डिग्री दोनों ऐड हो करके राइट हैंड साइड में जाके 180 में से जब लेस होगा तो यू विल गेट 60 डिग्री, ठीक है। तो ये हमने जो है आंसर फाइंड कर लिया। पूछा क्या था? टू फाइंड SQT, तो SQT इज इक्वल टू 60 डिग्री। SQT दिस वन इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 में जो है एक डायग्राम आपको दिया हुआ है। इस डायग्राम में उन्होंने क्या क्या इंफॉर्मेशन दी है? सबसे पहले PQ इज परपेंडिकुलर टू PS, ठीक है। तो PQ इज परपेंडिकुलर टू PS, दिस इज PQ एंड दिस इज PS, बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? वहां पे एंगल कितना फॉर्म होता है? 90 डिग्री, ठीक है। तो ये बाद में यूज होगा। उसके बाद में उन्होंने बताया PQ इज पैरेलल टू SR, PQ इज पैरेलल टू SR, ठीक है। और एक एंगल जो है उन्होंने दिया दैट इज एंगल SQR दिस इज 28 डिग्री एंड वन ऑफ द एक्सटीरियर एंगल उन्होंने दिया दैट इज QRT दैट इज 65 डिग्री। QRT दिस इज 65 डिग्री। वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, यानी कि यहां पे जो x वैल्यू है दैट मींस एंगल PQS और y फाइंड करना दैट इज RSQ, ठीक है। ये दो एंगल्स हमें फाइंड करने। चलो सबसे पहले गिवन में हम जो है सारी डिटेल्स हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन दी है विल पुट इट। सबसे पहले दिया है PQ इज परपेंडिकुलर टू PS, ठीक है। अगेन PQ इज पैरेलल टू SR, साथ में एंगल SQR दैट इज इक्वल टू 28 डिग्री एंड एंगल QR T equals to 65 degree, ठीक है। चलो हमें find क्या कर रहे हैं? तो to find that is x and y, ठीक है। Okay, next चलो यहां से solution अपना start होता है। सबसे पहले हम इस triangle को देखेंगे that is triangle QRS, in triangle QRS, इस ट्राइंगल में स्टूडेंट्स ये जो SR साइड है ना वो आगे T की तरफ प्रोड्यूस किया हुआ है, ठीक है। तो साइड SR इज प्रोड्यूस्ड टू T, ठीक है।
तो ये जो एंगल बन रहा है इसको हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। तो कौन सा, दैट इज क्यू आर टी, ठीक है। तो हम लिखेंगे शॉर्ट में एक्सटीरियर एंगल क्यू आर टी विल बी इक्वल टू इन दोनों एंगल का एडिशन। याद करो हमने थ्योरम पढ़ा था कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल, ठीक है। ये जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो इन दोनों एंगल के एडिशन के इक्वल होगा, ठीक है। तो क्यू आर टी विल बी इक्वल टू दिस एंगल प्लस दिस एंगल। तो इस एंगल को क्या बोलेंगे, आर क्यू एस, एंगल आर क्यू एस प्लस आर एस क्यू, दिस वन, ठीक है। तो रीजन में हम क्या लिखेंगे, रीजन में एक्सटीरियर एंगल is equal to sum of interior opposite angle, ठीक है। चलो next step में QRT कितना दिया हमें, 65 degree दिया ही उन्होंने, 65 degree, that is equal to ये दोनों angle RQS, RQS वो भी हमें दिया है, दैट इज 28 डिग्री प्लस एंगल आर एस क्यू, ये हमें फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स ये 28 डिग्री जो है ये लेफ्ट हैंड साइड में जाकर के 65 से जब लेस होगा तो यू विल गेट 37 डिग्री, ठीक है। तो फाइनली जो है आपको आर एस क्यू जो है वो कितना मिला, 37 डिग्री, ठीक है। इसको हम इक्वेशन 1 डाल देते हैं, आर एस क्यू, आर एस क्यू ये वाला एंगल हमें 37 डिग्री मिल गया, ठीक है। अब इसके बाद में स्टूडेंट्स हमें देखना है कि ये जो दो लाइंस है वो एक दूसरे के पैरेलल है, जो सम के अंदर दिया है पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर। तो विल राइट सिंस पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर एंड क्यू एस इज द ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो उस केस में स्टूडेंट्स हमें याद है कि कभी भी दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो और तीसरी लाइन ट्रांसवर्सल है तो ये जो क्रॉस में जो दो एंगल्स हैं, ये वाले जो क्रॉस में दो एंगल्स हैं और ये वाले, ये कहलाते क्या, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, जो इनकी इक्वल होंगे। तो इस केस में कौन से है दो, दैट इज एंगल पी क्यू एस एंड आर एस क्यू, ठीक है। तो विल राइट देयरफॉर एंगल पी क्यू एस will be equal to angle RSQ, ठीक है। तो रीजन में क्या लिखेंगे, alternate interior angles, ठीक है। चलो अब PQS और RSQ, PQS जो कि कितना है x और RSQ that is RSQ, ये जस्ट हमने यहां पे फाइंड किया है आर एस क्यू दैट इज 37 डिग्री। तो यहां पे सीधा लिख दूंगा मैं 37 डिग्री, ये आपका पहला आंसर आ चुका है। तो रीजन क्या लिखूंगा यहां पे, फ्रॉम वन, ठीक है। चलो अब इसके बाद में स्टूडेंट्स हमको एक और इंफॉर्मेशन उन्होंने दी है कि पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू पी एस, ठीक है। ऑल्सो पी क्यू is perpendicular to PS, ठीक है। This PQ is perpendicular to PS, तो यहां पे जो ये एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं डायरेक्टली therefore एंगल P will be equal to 90 डिग्री, ओके। चलो अब इस ट्राइंगल के अंदर हम फोकस कर रहे हैं, कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल PQS, ठीक है। इन ट्राइंगल पी क्यू एस तीनों एंगल की मैं बात कर रहा हूं, कौन से तीन एंगल, एंगल पी क्यू एस, या सबसे पहले एंगल पी ले लेते हैं, एंगल पी प्लस एंगल पी क्यू एस प्लस पी एस क्यू विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। वाई, एंगल सम प्रॉपर्टी, हमें यहां पे एंगल पी जो है वो पता है बिकॉज 90 डिग्री, बिकॉज पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू पी एस,
दिस विल बी 90 डिग्री प्लस और आगे क्या है PQS, PQS जो कि x है और x का वैल्यू अभी जस्ट हमने निकाला तो इसको हम बोल देंगे 2 दैट इज 37 डिग्री प्लस PSQ, ठीक है PSQ दैट इज y, इसकी जगह पे लिख दूंगा y, ठीक है दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब स्टूडेंट्स एंगल y हमें फाइंड कर रहा है तो 90 प्लस 37 ऐड होकर के राइट हैंड साइड में जाके 180 में से लेस हो जाएगा तो फाइनली जो है वो y कितना आएगा दैट इज 53 डिग्री, ओके। तो यहां पे जो है एंगल y भी जो है हमारा निकल चुका है, x और y हमें फाइंड कर रहा था, x यहां पे मिला है और y यहां पे मिला है, ठीक है ओके। क्वेश्चन नंबर 6 है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बताया कि साइड QR ऑफ ट्रायंगल PQR इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट S, यानी कि ये जो ट्रायंगल है PQR इसका एक साइड है दैट इज QR, उसको आगे की तरफ S तक जो है प्रोड्यूस किया गया है। फिर यहां पे दो-दो एंगल्स के बाइसेक्टर दिए हुए, एक तो है एंगल PQR और दूसरा है PRS, ठीक है। तो एक है PQR, इसका बाइसेक्टर है QT और दूसरा है दैट इज PRS, PRS उसका बाइसेक्टर है RT। तो ये QT और RT जो है दोनों के दोनों बाइसेक्टर एक जगह पे जाके मिल रहे हैं दैट इज पॉइंट T पे। तो उस केस में हमें क्या प्रूव करना है कि QTR इज इक्वल टू हाफ एंगल QPR, ठीक है। चलो गिवन में सबसे पहले क्या क्या चीज हमको दे रखी है, दो बाइसेक्टर्स हैं, ठीक है। सबसे पहले ये QR जो है इस PQR ट्रायंगल का आगे पॉइंट S तक जो है प्रोड्यूस किया हुआ है। उसके बाद में दो दो बाइसेक्टर हैं, एक है QT और दूसरा है RT। बाइसेक्टर्स QT एंड RT मीट एट पॉइंट T, ठीक है। उसके बाद में बस ये चीज हमें दी है, ठीक है, और एक्सटीरियर एंगल्स यहां पे बन रहे हैं। नेक्स्ट इसके बाद में हमें क्या जो है प्रूव करना है, तो टू प्रूव एंगल क्यू टी आर इज इक्वल टू हाफ एंगल क्यू पी आर, ये चीज हमें प्रूव करनी है, ठीक है। चलो प्रूफ, सबसे पहले स्टूडेंट्स ये जो ट्रायंगल है पी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर साइड, कौन सी साइड, क्यू आर इज प्रोड्यूस्ड टू एस, क्यू आर इज प्रोड्यूस्ड टू एस, ठीक है। तो देयरफोर यहां पे एक एक्सटीरियर एंगल बनेगा, जब एक साइड को हम आगे की तरफ प्रोड्यूस कर देते हैं ना ट्रायंगल के कोई भी एक साइड को आगे की तरफ अगर हम प्रोड्यूस कर दें तो एक एक्सटीरियर एंगल जो है बन रहा है। तो एक्सटीरियर कौन सा एंगल, एक्सटीरियर एंगल पी आर एस, ठीक है। तो ये एक्सटीरियर एंगल जो है पी आर एस दैट विल बी इक्वल टू एंगल पी प्लस एंगल क्यू, एंगल पी प्लस एंगल क्यू, ठीक है। तो एक ये है, इसके बाद में स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं कि जो है दो बाइसेक्टर हैं यहां पे, ठीक है। कौन से दो बाइसेक्टर है, एक तो क्यू टी है और दूसरा आर टी है। तो ये दोनों कौन से दो जो है एंगल के बाइसेक्टर है, एक तो एंगल क्यू और दूसरा एंगल पी आर एस, ठीक है। ऑल्सो bisectors QT and RT, of angle Q and angle PRS, ठीक है।
अगर ये दो बाइसेक्टर्स हैं तो दोनों एंगल को हाफ हाफ में डिवाइड कर देंगे। एंगल बाइसेक्टर हम किसे बोलते हैं स्टूडेंट्स? अगर मान लो ये एंगल है पी क्यू आर और इसका बाइसेक्टर है क्यू टी, तो ये बाइसेक्टर क्या करेगा, इस पूरे एंगल को जो यहाँ पे बन रहा है कॉर्नर पे वर्टाइसिस पे, इस पूरे एंगल को हाफ हाफ में डिवाइड कर देगा। मान लो अगर ये पूरा एंगल 60 डिग्री का है तो ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 30, उसी को तो बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर्स, ठीक है। तो ये चीज हमने लिख दी है, तो हम जो है पहली वाली जो यहाँ पे ऊपर जो इक्वेशन बनी थी उसको हम कुछ इस तरह लिख सकते हैं, हाफ एंगल पी आर एस इज इक्वल टू हाफ एंगल पी प्लस हाफ एंगल क्यू, ठीक है, हाफ पी आर एस। देखो ये है पी आर एस, इस पूरे एंगल का जो है हाफ क्या होगा, यहां से जहां से बाइसेक्टर जा रहा है, तो दैट इज एंगल पी आर एस, ठीक है। तो इसकी जगह पे लिख देंगे दैट इज एंगल पी आर एस, ठीक है, और इसको हाफ एंगल पी ही रहने देना है प्लस हाफ एंगल क्यू। तो एंगल क्यू ये रहा एंगल क्यू, इसको पूरा कैसे बोलेंगे, पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर, इसका बाइसेक्टर है क्यू टी, तो इस पूरे एंगल का हाफ कितना हो जाएगा, दैट इज एंगल टी क्यू आर। तो यहां पर लिख दूंगा एंगल टी क्यू आर, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स आपका इक्वेशन वन जो है बनता है, ठीक है। चलो अब इसके बाद में हम देख रहे हैं दूसरा ट्राइंगल, दैट इज क्यू आर टी, इन ट्राइंगल क्यू आर टी, क्यू आर टी, यहां पर जो है ये क्यू आर जो है वो आगे की तरफ प्रोड्यूस किया हुआ है एस तक, ठीक है। साइड क्यू आर इज प्रोड्यूस्ड टू एस, ठीक है। देयरफॉर ये ट्राइंगल जो है क्यू आर टी, इस ट्राइंगल के अंदर एक्सटीरियर एंगल कौन सा होगा, ये वाला, दैट इज ट्राइंगल एंगल टी आर एस, ये वाला होगा एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। तो देयरफॉर एक्सटीरियर एंगल कौन सा, टी आर एस। साथ साथ में आप डायग्राम देखते जाना स्टूडेंट्स, अंडरस्टैंडिंग जो है बहुत अच्छी होगी। टी आर एस दिस द एक्सटीरियर एंगल दैट विल बी इक्वल टू, ये जो एक्सटीरियर एंगल है टी आर एस दैट विल बी इक्वल टू दिस थिंग, एंगल टी प्लस एंगल टी क्यू आर, ठीक है, एंगल टी प्लस एंगल टी क्यू आर, ओके। तो ये स्टूडेंट्स जो है इसको हम इक्वेशन जो है टू दे देते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे फ्रॉम या फिर इक्वेटिंग इक्वेशन वन एंड टू वी हैव। अब कैसे मैं इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को इक्वेट कर सकता हूं, क्योंकि ये जो इक्वेशन है इसका एलएचएस क्या है, एंगल टी आर एस, और यहां पे जो है एंगल वो भी क्या है, एंगल टी आर एस। दैट मीन्स दोनों इक्वेशन के अगर एलएचएस इक्वल है स्टूडेंट्स, तो दोनों इक्वेशन के जो है आरएचएस जो है वो भी इक्वल होंगे, तो मैं उनके आरएचएस को आमने सामने रख के इक्वेट कर सकता हूं। तो चलो लिखते हैं हाफ एंगल पी प्लस एंगल टी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल टी प्लस टी क्यू आर। जो मैंने अंडरलाइन किया है दोनों इक्वेशन का आरएचएस को मैंने इक्वेट कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि दोनों इक्वेशन की एलएचएस इक्वल है इसलिए मैंने दोनों इक्वेशन की आरएचएस को आमने सामने रख दिया है, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स एक चीज यहां पे कैंसिल हो जाएगी, एलएचएस में एंगल टी क्यू है टी क्यू आर और आरएचएस में भी एंगल टी क्यू आर, सेम सेम क्वांटिटी बट ऑन दी ऑपोजिट साइड, तो कैंसिल हो जाती है। तो आपके पास बचेगा क्या, हाफ एंगल पी इज इक्वल टू एंगल टी। अब जरा थोड़ी अच्छी तरीके से लिख देते हैं एंगल पी क्या है और एंगल टी क्या है। तो एंगल पी क्या है, दैट इज क्यू पी आर, ठीक है, तो हाफ एंगल क्यू पी आर, और एंगल टी हम किसे बोल रहे हैं, दैट इज क्यू टी आर, एंगल क्यू टी आर, ठीक है। अब मैं इस इक्वेशन को स्टूडेंट्स पलट करके लिख देता हूं, एलएचएस को आरएचएस में, आरएचएस को एलएचएस में,
तो फाइनली दैट इंप्लाइज एंगल क्यू टी आर इज इक्वल टू हाफ एंगल क्यू पी आर, यही हमें प्रूव कर रहा था. एंगल क्यू टी आर, एंगल क्यू टी आर इज इक्वल टू हाफ क्यू पी आर, इज हाफ क्यू पी आर. ओके तो स्टूडेंट्स, ये हमने प्रूव कर दिया है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6 जो है. और इसी से एक्सरसाइज जो है 6.3 स्टूडेंट्स हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं, ठीक है. और ये चैप्टर भी जो है यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है. आप अपना रिटन वर्क प्लीज टाइम टू टाइम कंप्लीट करना. आई एम सेंडिंग ऑल द पीडीएफ्स ऑन टाइम एंड कीप प्रैक्टिसिंग. इन दिस वे यू विल इंप्रूव अ लॉट. थैंक यू.